डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टू क्रोशियल ट्रेंड्स इन चाइना 1994 to 2009. टू of the public डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक किन्नर गार्डन हमने इससे पहले डार्डन की बात की हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की हमने ई सी के डेवलपमेंट की बात की और हमने ये बात की किन्नट गार्डन जो है वो कन्वर्ट हो गया इसी के अंदर और ये जो ये जो है ये इसका एक गोल्डन इरा समझा जाता है जब इसके स्विच ओवर हुआ टिंडर गार्डनर से इसी की तरफ और हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन की कि इसी के अंदर जो है ना सोवियत यूनियन ने चाइना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उसके करिकुलम डेवलपमेंट करने के अंदर उसके टीचर्स को ट्रेनिंग देने के अंदर पैथोग के अंदर प्रोसेस के अंदर ये तमाम चीजों के अंदर उनको ट्रेन किया गया अब ये 1994 से जो 2009 का पीरियड है इस पीरियड के अंदर प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो गया और मार्केटाइजेशन का अमल शुरू हो गया अब यहां पे सूरत ये हुई कि गवर्नमेंट ने इसी का जो बर्डन था बर्डन यूज तो नहीं होना चाहिए एजुकेशन के हवाले से इसी ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट कर दी टूवर्ड तो द प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसके अंदर उन्होंने कुछ एन को शामिल कर लिया इसी को जो है ना वो रूल आउट कर दिया फ्रॉम द फॉर्मल एजुकेशन के अंदर देखिए फार्मल एजुकेशन तो शुरू हो रही है ग्रेड वन से अब इसी जो है वो ग्रेड वन से पहले है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन अब उन्होंने यहाँ पे जो मेन इशू आता है ये जो एक ट्रेंड आया क्रिशल ट्रेंड आया हमारे पास वो ये था कि जिस वक्त इसे एजुकेशन सेक्टर से निकाल दिया गया और इसे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया और इसकी जो पब्लिक फंडिंग थी फ्रॉम गवर्नमेंट वो जो है वो रिड्यूस कर दी गई फार्मल एजुकेशन से जो रूल आउट कर दी गई किन्नड़ गार्डन के बारे में हमें पहले ही पता है कि किन्नड़ गार्डन जो है ना वर फोर्स टू बिकम द कमर्शलाइज एंड प्राइवेटाइज किन्नर गार्डन पहले भी प्राइवेटाज हो चुके थे किन्नर गार्डन ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हुए थे और किन्नर गार्डन जो है ना वो इसी की शक्ल में जा चुके थे अब किन्नर गार्डन जो पब्लिक गार्डन था वो टारगेटेड फॉर द रेडिकल रिफॉर्म इन दाइनटीन नाइनटीज अब जब किन्नर गार्डन की रिफॉर्मस आती हैं तो बुनियादी तौर पर गार्डन की रिफॉर्म के अंदर जो है हमारे पास उसने कन्वर्शन है उसकी उसकी रिफॉर्म्स हुई हैं और वो कन्वर्ट हुआ है इसी के अंदर अर्ली चाइल्ड हूड एजुकेशन के अंदर और अर्ली चाइल्ड हूड एजुकेशन के अंदर जब वो कन्वर्ट हुआ है तो वो फार्मलाइज हो गया है कि हम पहले उसके ऊपर बात कर चुके थे जैसे हम पहले भी बात की है कि टिंडर गार्टन तो चाइल्ड केयर था अब जब चाइल्ड केयर से वो फार्मलाइज इसी के अंदर आया और इसी के अंदर नाइनटीन नाइनटीज के अंदर जो है ना गवर्नमेंट ने इस हिस्से को पोर्शन को एजुकेशन सेक्टर से रूल आउट कर दिया और ये हैंड ओवर कर दिया टुवर्ड द एनजीओस टुवर्ड द प्राइवेट सेक्टर्स प्राइवेटाइजेशन का देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसकी पॉलिसी उन्होंने बना दी और उस पॉलिसी बनाने का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट वोट शिफ्ट रिस्पांसिबिलिटी फंडिंग एंड मॉनिटरिंग इसी टू द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन गवर्नमेंटल एन जी जो है अब ये दो जगह पे यहाँ पे थोड़ा अच्छा अगर आप उसको देखें तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के सेक्टर का ये वाला पोर्शन इसी का पोर्शन जो है ये उसमें से रूल आउट किया नंबर एक इसको रूल आउट किया नंबर दो इसकी नई पॉलिसी बनाई और नई पॉलिसी के बनाने के साथ इसको एन जी ओ ओवर कर दिया गया और प्राइवेट को दे दिया गया अब कोलब्रेशन अब यहाँ पे कोलब्रेशन कर दी गई गवर्नमेंट की और एन जी ओज की यानी गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी एन जी ओ और शिफ्ट करने के बाद उसके साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप कर दी अब जिसके बाद कोऑर्डिनेशन डेवलप कर दी तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो रोल है वो मॉनिटरिंग का हो गया और एनजीओ का जो रोल है वो उसको रन करने का हो गया अब एनजीओ के रोल के अंदर जो है ना हमारे पास दो तीन बातें आ जाती हैं इसके कास्ट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा जो कि एनजीओ जो है ना मुख्तलिफ तरीके से उसको पूरा कर रही थी उसके बाद इसकी जो पॉलिसी हमारे पास ईसी की जो पॉलिसी थी अब उसको छोटे लेवल पर या यूँ समझेंगे लोकल लेवल पर एन जो हैं वो उसको मॉनिटर करना शुरू कर देती हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉब्लम जो हुआ एक क्रोशल पॉइंट जो है ट्रेंड आ गया और वो ये आ गया कि इसी को फॉर्मल एजुकेशन से रूल आउट कर दिया गया